है, साडे समाज का समा भी बड़ा कीमती है, साडे समाज का पैसा भी बहुत कीमती है। अगर असी अज साडा कीमती समा और कीमती पैसा ला के समागम करते पए हाँ और असी अपनी नींद खराब करते पए हाँ, तो सानू चाहिए है कि असी इस मंच तो कुछ ना कुछ चंगियां गल्लां पल्ले बन के लेके जाइए। संगत दा दूरों आए चल के आए दा फायदा फिर होगा, साडा अरेजमेंट करे दा फायदा फिर होगा, और समाज दा जिहड़ा कणका कणका इकट्ठा करके लाया, पैसा पैसा इकट्ठा करके लाया, तो उस खर्चे दा फायदा भी फिर होना है अगर असी इत्थों कोई दो चार गल्लां पल्ले बन के लेके जावांगे। ये गल असी सारे जानते हाँ कि जो पुराना समा सी साडे समाज दा बड़ा भयानक सी, और असं यह भी जानते हाँ कि उन्हां माड़ी सोच के लोगों की निगाह अज भी साढ़े उपर है। कहिंदे हुंदे है कि बाज वाली अख साढ़े उपर लोगों ने रखी हुई है, अगर असं अखा बंद कर लाँगे तो बिल्ली भजदी नहीं, सारे देखो जरूर बंद हो जाऊगी। कहिंदे हुंदे ना कबूतर देख के बिल्ली नूं अखा बंद कर लैंदा है, अगर असं अखा बंद करके बैठ जाएंगे सानू बिल्ली देखने जरूर बंद हो जाऊगी, पर बिल्ली टाइम आने पर चपट जरूर मरूगी, छड़दी नहीं, और उही साडे समाज नाल होई जांदा है। असीं अखां बंद करके बैठ जाएंगे, मौका आण ते माड़ी सोच के जिहड़े लोग है, मनोवादी लोग है, वह सानू छड़दे नहीं। और हुंदा वी ते आए रोज असीं पढ़दे हाँ, न्यूज़ पेपर दे विच पढ़दे हाँ, खबरां दे विच देखदे हाँ, आए रोज हुंदा है, हर रोज की गल है। अगर असीं यह सोचिए कि यह मैटर अलग है, यह विशा अलग है, और यह साडा सत्संग वाला विशा अलग है, तो साडी बेवकूफी है। विशा अलग नहीं है, सत्संग सिर्फ इस करके होंदी है कि साढ़े लोगों को जागरूक किया जाए, उन्होंने दिमाग के बच्चे जागरूकता ल्यांदी जाए, इस करके सत्संग होंदा है। पर निशाना साडा उत्थे ही जाके लगता है जो सतगुरु रविदास महाराज जी का सी और बाबा साहब जी का सी। साढ़े वक्तागण साढ़े मेहमान आए हुए उन्होंने भी ये गल कही कि असी पता नहीं कितने कितने जाके मत्थे टेक आने, साढ़े नाल होया भी बहुत कुछ है और होंदा भी आ रहा है। ना तो उस रब ने, ना उस भगवान ने, ना उस देवी देवत्या ने साड़ी अज तो पहला सुनी, और ना ही वो अज सुनते पे ने, और ना ही उन्होंने साड़ी सुननी है, क्योंकि एक बाप नू अपनी औलाद की चिंता होंदी है, पड़ोसी पड़ोसी चाचे ताए उस रफाब की औलाद बारे सोचते ने, होर किसी बारे नहीं सोचते। अगर साड़ी सोच सतगुरु रविदास महाराज जी नू सी तो उन्होंने समय की सरकार के नाल टक्कर लिती, अगर साड़ी सोच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नू सी तो उन्होंने मनुवाद की छाती से संविधान का पत्थर रखिया, अपने चार पुत्र साढ़े उत्तों वारे, अपनी जिंदगी वारी, और सानू हक लैके दिते। अगर साडे महापुरशां नू साडी चिंता सी तां इन्ना कुछ हो गया, क्यों नहीं किसे देवी देवते ने साडे वास्ते आवाज चक्की, क्यों नहीं किसे ने रंबी मार के सीना चराया, क्यों नहीं किसे ने पानी च पत्थर तारे, और क्यों नहीं किसे ने संविधान लिखिया, फिर क्यों साडे ही समाज के लोगों सारा कुछ करना पिया। सोचण दी गल है, पर जदों तक असी नहीं सोचते उदों तक गल नहीं बनती। सतगुरु रविदास महाराज जी ने जिन्नी भी बाणी लिखी है सारी की सारी क्रांतिकारी बाणी है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने सीधी गल की है परमात्मा दे नाल कि तेरे ते मेरे ते मेरे ते तेरे विच अंतर की है, मैनू दसता दे, तू रब बनिया बैठा है, तू मैनू दस तेरे ते मेरे ते मेरे तेरे अंतर विच की है, दस दे।